हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज हैबिटेट ऑफ एल्गी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, आइदर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड एज डिस्क्राइब इकोलॉजी ऑफ एल्गी, समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड एज ऑकरेंस ऑफ एल्गी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी और हैबिटेट ऑफ एल्गी। इन सभी का मतलब है कि एल्गी कैसे स्थान पर मिलता है और उसका निवास स्थान कहाँ है। नाउ कम टू द टॉपिक। एल्गी आर ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस एंड दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर फाउंड इन वाटर। बिसाइड्स दिस देर आर लार्ज नंबर ऑफ एल्गी विच आर ऑल्सो फाउंड ऑन सॉइल सर्फेस। सॉइल सर्फेस भी एल्गी मिलती है। There are several algae which are found in special type of habitats, for example on ice, on the surface of animal body, on the surface of plant surface, in hot water springs। इन सभी के आधार पर algae को तीन broad category में divide किया गया है, aquatic algae, terrestrial algae and algae of unusual habitats। फर्स्ट वन इज एक्वेटिक एल्गी। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, फ्रेश वाटर फॉर्म्स एंड मैरीन फॉर्म्स। फ्रेश वाटर फॉर्म्स आर दोज एल्गी विच अकर इन फ्रेश वाटर विथ लो सैलिनिटी ऑफ पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स, रिवर्स। वे एल्गी जो फ्रेश वाटर कंडीशन में पाए जाते हैं उन्हें फ्रेश वाटर फॉर्म्स की कैटेगरी में रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, क्लेडोफोरा, हाइड्रोडिक्टियन। सेकेंड वन इज मैराइन फॉर्म्स। दोज एल्गी विच अकर इन सैलाइन वाटर ऑफ सी। वे एल्गी जो समुद्र में मिलते हैं उन्हें मैराइन फॉर्म्स कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेम्बर्स ऑफ फ्यूफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसके ज़्यादातर मेम्बर सब आपके समुद्र में मिलते हैं। फ्यूफाइसी से आपके सिलेबस में एक्टोकार्पस एंड रोडोफाइसी से आपके सिलेबस में है पॉलीसाइफोनिया। इस पूरे लेक्चर में हमने आपको बहुत कम एग्जाम्पल दिया है एल्गी का, ताकि वही एल्गी का एग्जाम्पल हमने दिया है जो आपके सिलेबस में दिया है, जिसे आपको डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको लर्न करने में, याद करने में कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन ना हो। हियर यू कैन सी हाइड्रोडिक्टियन। दिस इज ग्रीन एल्गी एंड कॉमनली नोन एज वाटर नेट। दिस इज वॉलवॉक्स। दिस इज फ्लैजिलेटेड कॉलोनियल एल्गी। Here you can see daughter colony. This is Chlamydomonas. This is unicellular algae. All these algae belong to chlorophyce class. Here you can see marine algae. This is Ectocarpus. This belongs to Phaeophyce. The members of Phaeophyce are commonly known as brown algae. And this is Polysiphonia. This belongs to Rhodophyce. And members of the Rhodophyce is commonly known as red algae. The aquatic algae is of two types, free floating and attached to substratum. There are several algae. कई algae ऐसी हैं जो हमेशा floating condition में मिलते हैं, उन्हें free floating group में रखा गया है, for example wallworts, Chlamydomonas, Spirogyra। वॉलवॉक्स और इस क्लेमाइडोमोनास को भी आपने लास्ट स्लाइड में देखा। सेकेंड इज अटैच टू सबस्ट्रेटम। दीज एल्गी आर अटैच टू एनी सरफेस, इट मे बी रॉक सरफेस, मॉइस्ट रॉक सरफेस और एनी अदर सरफेस। ये एल्गी सरफेस पे होल्ड फास्ट की हेल्प से अटैच्ड रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल उडोगोनिया, यूलोथ्रिक्स। दे मे बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज यू प्लैंक्टोफाइट्स, मीन्स सेवरल एल्गी आर नेवर अटैच्ड फ्री फ्लोटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेज। कभी भी वो अटैच्ड कंडीशन में रहते हैं, हमेशा वो फ्लोटिंग कंडीशन में ही मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास। सेकेंड इज टाइको प्लैंक्टोफाइट्स। देर आर सेवरल एल्गी विच आर इनिशियली अटैच्ड, लेटर डिटैच्ड, मीन्स स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं वो अटैच कंडीशन से, सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं और बाद में वो डिटैच हो जाते हैं और फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, क्लेडोफोरा, उडोगोनियम,
नॉस्टॉक एक्सेट्रा। हियर यू कैन सी उडोगोनियम, दिस इज ए फिलामेंटस एल्गी, दीज आर कैप सेल्स। जब आप उडोगोनियम को डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है, तो वहाँ आप देखेंगे कैप सेल्स जो है स्पेशली उडोगोनियम में होती है और इसका क्या रोल है, कैसे बनते हैं ये। नाउ कम टू द सेकेंड ब्रॉड कैटेगरी, टेरिस्ट्रियल एल्गी। टेरिस्ट्रियल एल्गी आर ऑल्सो नोन एज इडेफोफाइट्स। देर आर सेवरल एल्गी विच आर फाउंड ऑन सॉइल सरफेस। फर्स्ट कैटेगरी इज सेफोफाइट्स, मीन्स दोज एल्गी विच आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल। कई एल्गी हैं जो सॉइल के अपर सर्फेस पर मिलती है, मॉइस्ट सॉइल पर, उन्हें सेफोफाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सोफाइसी मेंबर्स, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, तीनों एक ही चीज़ हैं। इसके सभी मेंबर, ज़्यादातर मेंबर्स सेफोफाइट्स के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा और कई एल्गी है, फॉर एग्जाम्पल बाउचेरिया है, बॉटेडोरियम है, ये सेफोफाइट्स के रूप में मिलते हैं। सेकेंड इज क्रिप्टोफाइट्स, दीज एल्गी अकर बिलो द सर्फेस ऑफ सॉइल। कई एल्गी ऐसी हैं जो सॉइल सर्फेस के नीचे ग्रो करती हैं, उन्हें क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक इनाबेना, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये आपको डिटेल में पढ़ना है। हियर यू कैन सी नॉस्टॉक, इट इज फिलामेंटस एल्गी। हियर यू कैन सी हेट्रोसिस्ट, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर फाउंड इन नॉस्टॉक। हियर यू कैन सी वाउचेरिया, दिस बिलोंग्स टू जेंथोफाइसी। थर्ड कैटेगरी एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। कई एल्गी ऐसी हैं जो स्पेस, पहले हमने बताया आपको कई वाटर और सॉइल के अलावा ढेर सारी एल्गी हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ हैबिटेट्स में मिलती हैं, उसमें उसको कई अलग अलग उसमें रखा गया है। फर्स्ट इज है हेलोफिटिक एल्गी, दीज एल्गी अकर इन वाटर बॉडीज विथ हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट्स। जहाँ जिस वाटर बॉडी में साल्ट का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ भी कई एल्गी मिलती हैं, उसे हेलोफिटिक एल्गी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेडोमिनास एहरनबर्गाई। सेकेंड इज इपीफिटिक एल्गी, दीज एल्गी ग्रो ऑन लार्जर एल्गी। दे आर सेवरल एल्गी विच ग्रो ऑन अनदर एल्गी, ऑन ब्रायोफाइट्स, ऑन एंजियोस्पर्म्स। क्या होता है ये इपीफाइट के रूप में अलग अलग जगह ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा आर अटैच टू क्लेडोफोरा। उडोगोनियम एक एल्गी है, वो क्लेडोफोरा पे ग्रो करती है। क्लेडोफोरा भी एक एल्गी है, उडोगोनियम भी एल्गी है, तो उडोगोनियम क्या है, वो क्लेडोफोरा पे ग्रो करती है। ऐसे ही किलोकीट आर इपीफिटिक अपॉन सम ग्रासेस। किलोफिटिक क्या है, ये किलोकीट ग्रास पे ग्रो करता है। थर्ड वन इज इपीजोइक एल्गी। ईपी का मतलब क्या होता है, बाहर, जोइक का मतलब एनिमल से है, एनिमल बॉडी से है। तो कई ऐसे एल्गी हैं जो एनिमल बॉडी पर बाहरी सरफेस पर ग्रो करते हैं। दीज ग्रो ऑन लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स, बाहर एनिमल बॉडी के बाहरी सरफेस पर ग्रो करते हैं, लाइक स्नेल, फिश, टर्टवाइज। फॉर एग्जाम्पल क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, क्लेडोफोरा की एक स्पीसीज है क्रिस्पाटा, इट ग्रोज ऑन स्नेल्स, स्नेल पर ग्रो करता है। सिमिलरली बेसिक्लेडिया, इट ग्रोज ऑन बैक ऑफ टर्टल्स। नेक्स्ट इज एंडोजोइक एल्गी, एंडो मीन्स अंदर, जोइक मीन्स एनिमल। ऐसी कई एल्गी हैं जो एनिमल बॉडी के अंदर ग्रो करती हैं, दे अकर इन टिश्यू ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल जू क्लोरेला फाउंड इन हाइड्रा विरिडिस। नेक्स्ट कैटेगरी इज सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक वर्ड किससे बना है, सिम्बायोसिस से बना है, आपने पढ़ा है, इंटर में भी इसको पढ़ा होगा सिम्बायोसिस। सेवरल मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। क्या मतलब हुआ, साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी की कई एल्गी जो हैं वो फंजाई के साथ या ब्रायोफाइट्स के साथ या जिम्नोस्पर्म के साथ सिम्बायोटिक कंडीशन में सर्वाइव करती हैं। सबसे कॉमन और एग्जाम्पल लाइकेन, लाइकेन आपने सुना होगा सभी बच्चों ने और आपने इंटर में पढ़ा भी होगा। लाइकेन के अंदर क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एल्गी एंड फंजाई। तो यहाँ आप देख रहे हैं एल्गी जो है फंजाई के साथ सिम्बायोसिस कंडीशन में लाइकेन के अंदर सर्वाइव करता है। सेकेंड है कॉलोनीज ऑफ
नॉस्टॉक एंड एनावेना। नॉस्टॉक जो है ये एंथोसिरॉस के अंदर ग्रो करता है, और एंथोसिरॉस क्या है, एक आपका ब्रायोफाइट का मेंबर है। जब आप एंथोसिरॉस का प्रैक्टिकल करेंगे, एंथोसिरॉस का थैलस काटेंगे टीयस, तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर नॉस्टॉक की गोल गोल कॉलोनी दिखाई देती है। ये नॉस्टॉक एंड एनावेना फाउंड इन थैलस ऑफ एंथोसिरॉस। नेक्स्ट कैटेगरी है क्रायोफिटिक एल्गी। देयर आर सेवरल एल्गी विच ग्रोज ऑन आइस आर स्नो पिक्स। ऐसी बहुत एल्गी है जो बर्फ पे मिलती है, स्नो पिक्स पे मिलती है। दीज एल्गी प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर्स टू स्नो कवर्ड माउंटेन्स। कई बार ऐसा देखा गया है जहाँ स्नो पिक्स होती हैं, वहाँ कोई पार्ट आपका रेड कलर का दिखाई देता है, कोई पार्ट आपका ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो यह आश्चर्य की बात है कि जो स्नो चमकता हुआ दिखाई देता है, वो कभी कभी रेड और ब्लैक क्यों दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है कि वहाँ एक स्पेशल टाइप की एल्गी ग्रो करती है, उसके फिलामेंट्स या कॉलोनी के कारण वो या तो रेड दिखाई देता है या तो ब्लैक दिखाई देता है। द एल्पाइन एंड आर्कटिक माउंटेन्स बिकम रेड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एल्गी हिमेटोकोकस निवेलिस। ये आपकी हिमेटोकोकस निवेलिस जो एल्गी है, इसके कारण स्नो पिक्स रेड कलर का दिखाई देता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नो पिक्स रेड क्यों दिखाई देता है। सम टाइम्स स्नो ब्लैक, कभी कभी स्नो पिक क्या होता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। क्यों? ड्यू टू स्कोटिएला निवेलिस। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है लिथोफिटिक एल्गी। दीज एल्गी ग्रो ऑन मॉइस्ट रॉक्स एंड स्टोन्स। फॉर एग्जाम्पल सेवरल ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक राइबुलेरिया। नेक्स्ट इज पैरासिटिक एल्गी। देर आर सेवरल एल्गी विच ग्रो एज पैरासाइट्स ऑन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई एल्गी प्लांट्स और एनिमल्स पर पैरासाइट के रूप में ग्रो करती हैं। पैरासाइट आपने पढ़ा होगा इंटर में। फॉर एग्जाम्पल सिफेलोरियोस वायरेसेंस, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ये कहाँ ग्रो करता है, टी के ऊपर, चाय के ऊपर ग्रो करता है, और रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है ये आपके थर्मोफाइट्स या थर्मल एल्गी। देर आर कई एल्गी ऐसे हैं विच आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स टेम्परेचर बिटवीन 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ऐसे वाटर स्प्रिंग्स जिनका टेम्परेचर 50 to 70 होता है, वहाँ पर कई एल्गी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेटोरिया ब्रेविस। सम ऑसिलेटोरेसी मेंबर्स में सर्वाइव अप टू 85। कुछ वाटर स्प्रिंग्स ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सोच सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर खौलता है, हाथ जल जाता है। वहाँ भी कुछ आपकी एल्गी ऑसिलेटोरेसी ग्रुप की एल्गी ग्रो करती है। तो ये आपको पूरा आपका हैबिटेट ऑफ एल्गी कंप्लीट हो गया। इसमें से कई बार एग्जाम में छोटे छोटे टॉपिक आपको पूछ लिए जाते हैं कि पर्टिकुलर छोटे छोटे कैटेगरी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो छोटी छोटी कैटेगरी है उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एकदम ध्यान से पढ़िए। और बुक्स की हेल्प से आप इसमें कुछ, अगर कुछ बच्चे चाहते हैं तो कुछ और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।